सच का पहरेदार। महाराजगंज पहुंचे प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने लखीमपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और सवाल दागते हुए कहा कि उनकी सरकार में उनके मंत्री ने मेरे ऊपर गोली चलवाई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तब उन्होंने कितने मंत्रियों को बर्खास्त किया था, पहले उन्हें अपने आप को आईने में झांक कर देखना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाए जा रहे क्लीन इंडिया कार्यक्रम के तहत प्लास्टिक भारत बनाने के अभियान की शुरुआत आज महाराजगंज जनपद में की गई, जिसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के खेलकूद और पंचायती राज राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी ने किया। जनपद में पहुंचे प्रदेश के मंत्री ने लखीमपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में भी उनके मंत्री ने मेरे ऊपर गोली चलवाई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तब उन्होंने कितने मंत्रियों को बर्खास्त किया था, पहले वे खुद आईने में झांक कर देखें। अखिलेश यादव जी, पहले बताएं कि उनके विधायक और मंत्री जब उनकी सरकार थी तो मैं इसका स्पष्ट उदाहरण हूं कि मैं विधायक था और मेरे ऊपर उनके विधायक और मंत्री अंबिका चौधरी नारद राय ने गोली चलवाया था जिसमें एक शहीद हुआ था, आदमी दर्जनों लोग घायल थे, एक विधायक के ऊपर गोली चली थी। कितने मंत्रियों को उन्होंने बर्खास्त किया था, पहले अपने आप को आईने में झांक के देखना चाहिए। उपेंद्र तिवारी ने आगे कहा कि लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उस घटना का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री ने लिया है, उन्होंने एसआईटी जांच गठित कर 8 दिन का समय दिया है। देखिए, लखीमपुर घटना में जो कुछ भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, उस घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, एसआईटी का जांच गठित की है और उन्होंने 8 दिन का समय दिया है और उसमें जो भी दोषी जन होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यह स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। घटना में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से ब्रजेश गुप्ता, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।